गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 21 जनवरी 2021 वर्ग प्रथम से दसम्बर तक विषय गीता पाठ संस्कृत। गीता पाठ अध्याय एक श्लोक नंबर 46 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग इस श्लोक को ध्यान से पढ़ें, शांति ढंग से पढ़ें, पवित्र भाव से पढ़ें। यह भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी है जो कि वेद व्यास जी के द्वारा रचित, हम लोग उनकी गाथा को सुन रहे हैं, गा रहे हैं। तो आप लोग श्लोक को ब्लैक बोर्ड पर देखें। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय धातराष्टारणे हन्नु स्तन में क्षेमतरम भवेत। एक बार आप इसको भाव में पढ़ें। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धातराष्टानां रणे हनु स्तंभे क्षेमतरं भवेत। इस प्रकार बच्चों, आप लोग गीता पाठ को आप भी पढ़िए और अपने समस्त परिवार को सुनाइए। यह आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब आप लोग इसका अर्थ को सुने। गीता श्लोक यहाँ लिखा हुआ, गीता श्लोक अध्याय एक श्लोक नंबर 46 अर्थ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना नहीं करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इस प्रकार से बच्चों, इसका भाव, इसका अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह संवाद जो है अध्याय एक का है और श्लोक नंबर 46 का है, जिसमें यह संजय और धृतराष्ट्र का प्रसंग है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी व्यथा, बंधु बांधव के बिच्छों का वार्तालाप कर रहे हैं। वे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से वे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि यदि हम अपने भाई बांधवों के साथ हम युद्ध करूं तो यह कोई महानता नहीं।